थाना सिकंदा राव ग्राम फुलराई मुगलगढ़ी में एक बेहद दुखद घटना हुई, जहां पे श्री सूरज पाल उर्फ नारायण साकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, के सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें दो पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 हैं, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 हैं, अलीगढ़ के 17 हैं, शाहजहांपुर के 5 हैं, आगरा 18 हैं, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 हैं, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवर हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीग के 1 लोग हैं। तो टोटल 121 की संख्या है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे और जनपद के सभी अधिकारियों के द्वारा जो प्रथम दृष्टि हम लोग के द्वारा जो काम चालू किया गया वो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य कारण किया और प्राथमिकता पर घायलों का इलाज कराना, समुचित इलाज कराना और मृतकों की शिनाख्त में पोस्टमार्टम अति शीघ्र करा के सम्मानपूर्वक प्रक्रिया से मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई। जैसा कि आप लोग को विदित है, इस घटना के संबंध में ऑनरेबल पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि जो मृतक है उनको दी गई है। माननीय राज्य सरकार द्वारा घटना की विस्तारपूर्वक जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति जी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में, जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, श्री हेमंत राव सर जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और श्री भावेश सर जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी सदस्यता में समिति गठित की गई है। इस संदर्भ में थाना सिकंदर राव में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 2, 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश राय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया और इनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटना स्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदरा राव थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदरा राव, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदरा राव के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कचोरा थाना सिकंदरा राव 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदरा राव से की गई है। विस्तारपूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टि हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहां पर जो एक चीज आपके आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए उन्होंने आपने भी देखा होगा कि उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और
यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया है कि एकरूपता हेतु वहां पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा के चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया।